हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के संपर्क में। तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट ने एक और इंडियन खिलाड़ी को अपनी टीम में साइन कर लिया है आने वाले सीजन से पहले। तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट ने वैसे तो काफ़ी सारे यंग इंडियन फुटबॉलर को अपनी टीम में साइन किया है, लेकिन दोस्तों आप ज़रूर ये मान सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट ने जिन भी यंग इंडियन फुटबॉलर को साइन किया है वो सारे ही काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और आने वाले 2-3 सालों में वो एक स्टार बन सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट जो प्लेयर्स को अपनी टीम में साइन कर रही है वो फ्यूचर को सोच के कर रही है। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी वैसे ही इनएक्सपीरियंस टीम हो, लेकिन फॉरेनर प्लेयर्स नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की टीम में शानदार है। तो अभी फिलहाल जो खबर आ रहा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की तरफ से वो यह है कि श्रीनिधि डेकन एफसी के राइट बैक के खिलाड़ी आशीर अख्तर को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट ने अपनी टीम में साइन कर लिया है। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के इस स्क्वाड में राइट बैक की कमी थी, तो आशीर अख्तर एक राइट बैक के खिलाड़ी है और 28 वर्ष का है। तो इनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट ने कर दिया है। और दोस्तों आगे बढ़े और बात करें एल्बिनो गोम्स के बारे में, तो एल्बिनो गोम्स आई लीग की क्लब चर्चिल ब्रदर्स के लिए खेल रहे थे, लेकिन 31 मई 2023 को ही कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है एल्बिनो गोम्स का चर्चिल ब्रदर्स के साथ। तो काफ़ी सारे जन ने मुझसे यही क्वेश्चन किया है कि एल्बिनो गोम्स को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अपनी टीम में साइन करवाने वाली है। तो दोस्तों अभी आप फिलहाल देख सकते हो कि मिर्शाद मिचू ने लास्ट सीजन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था और एक्सपीरियंस गोलकीपर हो चुके हैं मिर्शाद मिचू, लेकिन दोस्तों मिर्शाद मिचू के अलावा और कोई एक्सपीरियंस गोलकीपर नहीं है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के स्क्वाड में। तो एल्बिनो गोम्स को अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अपनी टीम में साइन करती है तो एक बेहतरीन चॉइस होगा, क्योंकि एल्बिनो गोम्स के पास बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है आईएसएल खेलने का, इंडियन फुटबॉल का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन दोस्तों अभी तक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की तरफ से ऐसा कोई भी खबर नहीं है कि वो एल्बिनो गोम्स को अपनी टीम में साइन करवाना चाहती है। तो मेरे ख्याल से अगर एल्बिनो गोम्स साइन करते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में तो ये एक बहुत ही बड़ा एडिशन होगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के आने वाले सीजन के लिए। तो चलिए दोस्तों फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।